शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आओ बैठो आराम से। क्या लोगी? चाय, कॉफी? अरे पर बात क्या है? अरे भाई कुछ भी नहीं है, तुम बस बोलो क्या लोगी, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक? अब मैं कॉफी लेके आता हूँ। तुम कह रहे हो कुछ नहीं? जनाब चेहरे से खुशी भर भर के टपक रही है। पागल हो गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तुम बैठो, मैं कॉफी लेके आता हूँ। क्या कहा राधिका ने, आएगी मिलने? अरे वाह, पर खबरदार राधिका से मिलने के बाद मुझे मत भूल जाना, वरना वरना क्या? वरना जान से मार दूंगी। सच में? सच। तुम भी राधिका से मिलो ना, वो भी तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हें मिलके बहुत अच्छा लगेगा सच में। नहीं अभी तुम मिल लो, इतने टाइम बाद मिल रहे हो तुम लोग, बहुत सारी बातें होंगी करने के लिए, मैं किसी और दिन मिल लूंगी। सच में? अब सोच लो, फिर बाद में शिकायत का मौका मत देना, और जलन वो तो थोड़ी होगी। हाँ थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। विक्रांत मुझे प्लीज माफ कर दो, मैंने बिना बताए तुम्हें छोड़कर चली गई। I'm really sorry। शादी कर रही हो ये भी बता सकते थे? हिम्मत ही नहीं हुई विक्रांत, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन यकीन मानो ऐसा एक भी दिन नहीं था जब मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती थी। तुम आई हो वही मेरे लिए काफी है। हम दोनों साथ कितने खुश थे ना, मैंने मम्मी पापा को आखिरी तक बनाने की बहुत कोशिश की विक्रांत, लेकिन वो लोग नहीं माने। भूल जाओ राधिका, मैं और नेहा अपनी जिंदगी में खुश है, वो भी तुम्हारी तरह बहुत अच्छी है। अब तुम्हारी शादी कैसे चल रही है? बताओ कुछ प्रॉब्लम है क्या? बताओ ना। निलेश बिल्कुल भी तुम्हारी तरह नहीं है, तुम कैसे सपोर्ट करते थे, साथ देते थे, अब सब याद आता है। जॉब कैसी चल रही है? सेम कंपनी में काम कर रही हो? तुम तो अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी ना? हम अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे,
भूल गए विक्रांत? नहीं भूला नहीं मैम, सब याद है मुझे। इनफैक्ट मैं अभी भी तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूँ। नहीं अब नहीं हो सकता। लेकिन क्यों, तुम काबिल हो, तुम्हें जो चाहिए मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, तुम बस हाँ बोल दो। नीलेश नहीं मानेंगे, और पैसों की चिंता तुम मत करो, मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, तुम बस हाँ बोल दो एक बार। अच्छा ये सब छोड़ो, नेहा के बारे में बताओ ना, मुझे नेहा के बारे में जानना है। अरे इतना शर्मा, देखो बातों बातों में पता ही नहीं चला, इतना लेट हो गया, अब मुझे चलना होगा। अब थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर किसी दिन, और नेहा से भी तो मिलना है ना, घर में मेरे पति और मेरी सासू माँ मेरा वेट कर रहे होंगे। ठीक है मैं छोड़ दूँ? नहीं मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। राधिका के लिए परेशान होने से कुछ नहीं होगा, कुछ करो, और रेस्टोरा का सपना तुम्हारा भी तो था ना। हाँ लेकिन नेहा। लेकिन क्या, तुम दोनों की शादी नहीं हो पाई तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अब तुम दोनों बिजनेस पार्टनर्स भी नहीं बन सकते? तुम समझ नहीं रही हो राधिका। राधिका क्या, अब मौका मिल रहा है तो हमें उसकी मदद करनी होगी। लेकिन नीलेश, उसकी सास और बाकी सब। तुम उसकी चिंता क्यों करते हो, वो राधिका संभाल लेगी, लेकिन पहले हमें उसे भरोसा दिलाना होगा कि हम उसके साथ हैं, समझे? और तुम्हें राधिका से कोई दिक्कत नहीं होगी? नहीं मुझे तुम पे पूरा भरोसा है विक्रांत, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। नेहा नीलेश, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। जी मां बोली। मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए रोशनी के पास चली जाऊं, बहुत दिन हो गए उसे देखे हुए। ऐसे देख क्या रहा है, तुझे तो छोटी बहन की कोई चिंता है नहीं, याद है अगले महीने उसकी फीस भी भरनी है। याद है मां, बेकार की टेंशन मत लिया करो, टाइम से भर दूंगा। भर दूंगा? पिछली बार की तरह लेट नहीं होनी चाहिए, तारीख से पहले भर देना, परेशान हो जाती है बिचारी। तेरे पापा होते तो मुझे रोशनी की इतनी चिंता नहीं होती। और हाँ अगले सोमवार की टिकट करवा देना याद से। जी। विक्रांत तो तुम्हारे बारे में बहुत कम तारीफ करता है, तुम तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और समझदार हो। यही बात मैं आपके लिए भी बोल सकती हूँ, आप नहीं तुम, हम अच्छे दोस्त भी तो बन सकते हैं, क्यों नहीं, तो फ्रेंड्स फ्रेंड। विक्रांत रेस्टोरेंट के बारे में बहुत सीरियस है, हमेशा बात करते रहता है, प्लीज मान जाओ ना, शायद किस्मत इसी तरह हम लोगों को साथ में लाना चाहती है। दरअसल मेरे पति नहीं मानेंगे। एक बार बात तो करके देखो, कोशिश करने में क्या जाता है। प्लीज करोगी ना मेरे लिए? ये हुई ना बात, चलो अब कॉफी पिए। कल तक डिलीवरी हो जाएगी सर? जी जी हाँ, मैंने मैसेज कर दिया था उनको। हाँ
सॉरी थोड़ा लेट हो गया। जी जी ठीक है ओके। वो मुझे एक बात करनी थी। बोल। फिर से डॉक्टर चेकअप शुरू मत कर देना। नहीं कुछ और बात है। क्या बात है? मेरे दो दोस्त है नेहा और विक्रांत, वो मेरे रेस्टोरेंट वाले बिजनेस में पार्टनर बनने में बहुत इंटरेस्टेड है, पैसे लगाने को भी रेडी है। अगर तुम पहले तो कभी नाम नहीं सुना। मैंने शादी से पहले बताया था ना, मेरा बॉयफ्रेंड विक्रांत जिससे मैं शादी करना चाहती थी। याद आया, शादी के लिए मम्मी पापा ने मना कर दिया था है ना? इतने टाइम बाद ये वापस कहाँ से आ गए? वो सोशल मीडिया पे हम फिर से कनेक्ट हुए। नेहा उसकी मंगेतर है, मैं उन दोनों से मिली हूँ। दोनों रेस्टोरेंट वाले बिजनेस के लिए बहुत सीरियस है। तो मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा है। क्या सब? मतलब ये कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ रंगरलिया मना रही हो। पागल समझती हो मुझे? गलत समझ रहे हो नीलेश। क्या गलत समझ रहा हूँ? ये रेस्टोरेंट के ख्याल को अपने दिमाग से बाहर निकाल के फेंक दो और दोनों से दूर रहो। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या डाल रहे हैं। वो लोग ऐसे नहीं है। कैसे हैं मैं सब जानता हूँ। घर और जॉब पर ध्यान दो, समझी? अरे जल्दी करो, ट्रेन का टाइम हो रहा है। बैग उठा। और हाँ, घर का ध्यान रखना, जल्दी लौट आऊंगी। जी जी। बस बस ठीक है, चलो। क्या यार, एक कहाँ रह गई यार ये? अरे आती होगी। क्या आती होगी? काम आ गया होगा बाबा। और फिर आज उसकी सास भी तो जा रही है ननंद के पास में। अरे पर इतना लेट टाइम। लो आ गए। अरे अतिका। हेलो कैसी हो? हाय सॉरी आने में थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं। ठीक है, नीलेश ने क्या कहा? वो मान गए रेस्टोरेंट खोलने के लिए? अरे बैठने तो दो उसे। अरे हाँ बट तुम बैठो। अब बताओ। बोलो ना क्या कहा नीलेश ने, मान गया ना वो? नीलेश ने मना कर दिया, वो नहीं चाहता कि हम सब साथ में काम करें। और बहुत भला बुरा कहा उन्होंने। अरे ऐसे कैसे, अगर उसे कोई परेशानी दिक्कत है तो हम बात करके उसे समझा सकते हैं ना, क्यों विक्रांत? बिल्कुल। तुम चिंता मत करो, मैं नीलेश से बात करूंगी, हम सब उसे समझाने की कोशिश करेंगे। तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती। तुम प्लीज रहने दो, नीलेश को बहुत गुस्सा आता है, वो बुरा भला कह देंगे तुमसे मुझे। तुम उसकी चिंता मत करो, वो मैं देख लूंगी। हम अच्छा हम नीलेश को मिलने के लिए आएंगे, मैं और नेहा, उसे मनाने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरा यकीन है वो मान जाए। हाँ तुम चिंता मत करो। आजकल आपके जैसा पत्नी को समझने वाला पति बहुत खुश नसीबी से मिलता है। राधिका बहुत तारीफ करती है आपकी। मैंने ही माँ से कहा था कि राधिका को जॉब करने दो, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद कोई इंसान घर थोड़ी ना बैठेगा। बिल्कुल ठीक कहा। तो इसका मतलब राधिका के रेस्टोरेंट के प्लान के बारे में आपको पता होगा? हाँ कुछ कुछ। मैं विक्रांत और राधिका साथ में रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं, आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, दोस्ती के साथ साथ लाइफ में भी तरक्की हो जाएगी। क्यों? मैं तो हमेशा से राधिका को सपोर्ट करता हूँ, और इनफैक्ट कि इसे तो अभी प्रमोशन भी मिला है। तो इसका मतलब राधिका के रेस्टोरेंट के प्लान को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत कैसी, हम प्लान कर सकते हैं।
खुश तो हो ना, तुम्हारा रेस्टोरेंट का सपना पूरा होने वाला है। नेहा भी वैसे बहुत समझदार है और विक्रांत भी लकी है। देखो तुम रेस्टोरेंट ओपन करने जा रही हो, एक बार अगर किसी काम को शुरू कर लोगे तो फिर पीछे हटना मुश्किल होगा, इसलिए सोच लो एक बार। सब अच्छा होगा, तुम प्लीज टेंशन मत लो। एक बात करनी थी। हाँ बोलो। वो नीलेश, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे कितने? और तुम तो जानती हो कि हाँ, लेकिन ससुर जी के ऑपरेशन के लिए मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए दिए थे और तुमने मुझसे कहा था हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे आते ही दे दूंगा। 2 साल हो गए, वो पैसे मैंने अपने रेस्टोरेंट के लिए बचाए थे। राधिका पैसे तो आ गए थे और वो पैसे मैंने रोशनी की शादी के लिए बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा दिए। रेस्टोरेंट सेट करना है, इतने खर्चे कहाँ से मैनेज हो पाएगा? तुम भी जानती हो ना कि इतनी जिम्मेदारियां हैं पुष्पा। लेकिन मैं तुम्हें रेस्टोरेंट की परमिशन तो दे रहा हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम्हारे रेस्टोरेंट का रेंट मैं भर दिया करूंगा, इससे मेरे ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा और तुम्हारे ऊपर भी। हेलो। हाँ विक्रांत, एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, तुम सुनकर खुश हो जाओगी। बताओ। मार्केट में एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट मिला है। मेरी कल ही ओनर से बात हुई है, वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो रहा है और वो कह रहा था कि वहाँ पे बहुत कस्टमर्स आते थे। वाओ, ये तो सच में बहुत अच्छी न्यूज है, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस अभी नहीं, वो मैंने और नेहा ने तो जगह देख ली है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम भी एक बार रेस्टोरेंट को देख लो, फिर हम जगह फाइनल कर देंगे। तुम दोनों को कैसा लगा? बहुत ही अच्छा, काफी कस्टमर्स भी आ रहे थे वहाँ पे। तो बस मेरे देखने की क्या जरूरत है, वैसे भी रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट तो तुम दोनों को संभालना है, मुझे तो बस किचन में इंटरेस्ट है। तुम फाइनल कर दो। पक्का? पक्का। ठीक है, तो फिर मैं ओनर से बात कर लेता हूँ और उसे आज ही एडवांस लेकर आता हूँ। वैसे कितना देना है? कोई 70,000। रेंट मैं पे कर दूंगी, बाकी तुम देख लेना। ठीक है, फिर मैं तुम्हें ओनर की बैंक डिटेल्स फॉरवर्ड करता हूँ, याद से आज शाम को उसे पैसे ट्रांसफर कर देना, वरना जगह हाथ से चले ना जाए। ठीक है बाबा, तुम टेंशन मत लो, काम हो जाएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर। क्या हुआ, बहुत कुछ नजर आ रही? किसका फोन? विक्रांत का। एक बहुत अच्छी न्यूज है, कोई अपना चलता हुआ रेस्टोरेंट किराए पर देना चाहता है, मार्केट की जगह है। क्या हुआ, तुम सुनकर खुश नहीं लग रहे? तुम्हें मेरी खुशी की कब से ऐसे चिंता होने लगी है? ऐसे क्यों बोल रहे हो? अपना कल वाला वादा याद है ना, शाम तक ओनर को 70,000 ट्रांसफर करने होंगे। हाँ याद है। शाम तक कर दोगे ना? कहाँ ना कर दूंगा। ठीक है, मैं आपको ओनर के बैंक डिटेल्स मैसेज कर देती हूँ, प्लीज शाम तक कर देना, वरना जगह हाथ से चली जाएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दो। एक ही बात को बार बार बोलने में ज्यादा अच्छा लगता है ना, कहा कर दूंगा तो कर दूंगा। निलेश, तुमने ओनर को पैसे ट्रांसफर कर दिए क्या? निलेश, मैं कुछ पूछ रही हूँ। कर दिए, क्या जान लोगी अब? विक्रांत आओ ना, अंदर आओ, बैठो। क्या हुआ, परेशान नजर आ रहे हो, कुछ हुआ क्या? देखो वो रेस्टोरेंट हमारे हाथ से चला गया। क्या? उन्हें को पैसे ट्रांसफर नहीं हुए थे। निलेश, आपने पैसे ट्रांसफर किए थे ना? वो एक्चुअली मेरे दिमाग से तुमने मुझसे झूठ खा, तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी जगह हाथ से चली गई।
तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? दूसरी मिल जाएगी ना? नहीं करने थे तो कह देते, मैं कर देती ट्रांसफर। मैंने कहा ना कि दूसरी मिल जाएगी, तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा तमाशा, मैंने तमाशा तो तुम कर चुके हो। बहुत जुबान नहीं चलने लगी तुम्हारी, अभी तुम्हारी जुबान को ठिकाने लगाता हूं। पता था रेस्टोरेंट की आड़ में तुम लोग मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हो। दरअसल तुम दोनों के बीच में, दोनों के बीच में कुछ नहीं है। मुझे तुम्हारे साथ रहने में ना अब शर्म आने लगी है। मेरे साथ रहने में तुम्हें शर्म आने लगी है? तुम्हें पूरी जिंदगी भर मेरे साथ रहना है, ये तो चला जाएगा। उसके बाद अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, फैसला हो चुका है। तुम जैसे झूठे और छोटी सोच वाले आदमी के साथ ना अब मुझे नहीं रहना। तो तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती? हाँ। अभी मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। निलेश, बोला था तुम नदी का भी हाथ नहीं उठा सकते। तूने मेरा हाथ पकड़ा हा? दूर होके बात कर। निलेश। क्या निलेश? बात समझ आराम से। क्या बात समझू? मारेगा? नहीं निलेश। आना मार। निलेश बात समझ। मैंने कहा कि मार। निलेश क्या कर रहे हो? निलेश हाथ लगाना। निलेश राधिका, निलेश राधिका तुम ठीक हो? जाना होगा, तुम जाओ यहाँ से। तो पागल हो गई हो? डॉक्टर को कॉल करो, वो ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी, तुम जाओ। राधिका मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। विक्रांत तुम समझ क्यों नहीं रहे? तुम जाओ। तुम पागल हो गई हो? मैं परेशान मत हो, तुम कुछ नहीं। मैं नहीं कर सकता विक्रांत। राधिका पागल मत बनो प्लीज, मैं नहीं चले जाओ। जाओ विक्रांत। राधिका तुम पागल हो? जाओ जाओ यार जाओ। विक्रांत आपका नाम? जी। निलेश के कत्ल के इल्जाम में आपको गिरफ्तार किया जाता है। ये आप क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने निलेश को नहीं मारा। अरे दोस्त, राधिका ने हमें सब बता दिया है। तुम्हारे और निलेश के बीच में हाथापाई हुई थी, निलेश के सर पे चोट के निशान भी मिले हमें। पुलिस स्टेशन चलकर कहना जो कुछ भी कहना है। लेकिन आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मेरी बात सुनिए, मैंने निलेश को नहीं मारा है। वो जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। अरविंद अरेस्ट हिम। लेकिन मेरी बात सुनिए आप। लेकिन इंस्पेक्टर साहब सुनिए, उसने कुछ नहीं किया है। हाँ मनोज बोलो। क्या? ठीक सर, वो निलेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसकी मौत सिर पर चोट लगने की वजह से नहीं हुई, बल्कि सफोकेशन दम घुटना बताया गया है। बताइए क्या हुआ था उस दिन, कैसे मारा निलेश को? ये मेरी बेटी को खा गए इंस्पेक्टर साहब, पूछिए इससे, इसने क्यों मारा मेरे बेटे को? उस दिन जाओ निलेश, निलेश निलेश उठिए, निलेश 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 आप ठीक हो? नहीं यार, के साथ मिलके तब मुझे मारने की कोशिश की। निलेश तुम फिर से गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पेट पीछे रंगलियां मना रही थी ना तू? हाँ सबको बताऊंगा, सबको बताऊंगा कि तू क्या कर रही थी। नहीं निलेश नहीं, मेरे बाप को बताऊंगा, सबको बताऊंगा और तुझे जान से मार दूंगा। निलेश क्या कर रहे हो? निलेश
नीलेश के साथ जिंदगी से मैं तंग आ गई थी, दम घुटने लगा था मेरा, ना ही वो मुझे छोड़ रहा था और ना ही मुझे चैन से जीने दे रहा था। मेरे गुस्से में मैं नीलेश को मारना नहीं चाहती थी। अंकिता